मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केंद्रीय बैंक के बारे में। आधुनिक युग में देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था में केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। केंद्रीय बैंक देश के सभी बैंकों का सरताज, मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक ही नहीं वरन देश की मौद्रिक व्यवस्था का नियंत्रक एवं नियमकर्ता भी है। देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने तथा बैंकिंग एवं मौद्रिक व्यवस्था को सुसंगठित एवं सुरक्षित रखने में केंद्रीय बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रोफेसर रॉजर्स ने केंद्रीय बैंक के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए लिखा है कि मानवता के इतिहास में तीन महत्वपूर्ण आविष्कार हुए, अग्नि बैंक एवं केंद्रीय बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंकों का विकास मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से हुआ। वैसे केंद्रीय बैंकों की शुरुआत 1656 में स्वीडन के रिस्क बैंक की स्थापना से हुई। सन 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना को एक आदर्श केंद्रीय बैंक की शुरुआत माना जाता है, जो 1844 में एक आधुनिक केंद्रीय बैंक के रूप में सामने आया। इंग्लैंड की देखा देखी विश्व के अन्य देशों में हॉलैंड में 1814, ऑस्ट्रिया में 1817, फ्रांस में 1800, जर्मनी में 1875 तथा भारत में 1935 में केंद्रीय बैंकों की स्थापना उल्लेखनीय है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ ही देशों में केंद्रीय बैंक थे, पर पिछले 100 वर्षों में केंद्रीय बैंकों की लोकप्रियता इतनी बढ़ी है कि आज विश्व में कोई भी देश ऐसा नज़र नहीं आता जहां केंद्रीय बैंक ना हो। विश्व में 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बाद व्यापार चक्रों से मुक्ति के लिए एक सुव्यवस्थित मौद्रिक व्यवस्था और सुसंगठित बैंकिंग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक की स्थापना एक अनिवार्य घटक बन गया। 1927 में हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर 1935 में भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का देश के केंद्रीय बैंक के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। विभिन्न विद्वानों ने केंद्रीय बैंक को अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है। प्रोफेसर डिकॉक के अनुसार केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो मौद्रिक एवं बैंकिंग रचना के शीर्ष पर बनाया जाता है। प्रोफेसर रायमंड के शब्दों में केंद्रीय बैंक एक संस्था है जिससे सामान्य जनता के कल्याण के हित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार तथा संकुचन की व्यवस्था का दायित्व सौंपा जाता है। बैंक ऑफ कनाडा अधिनियम के अनुसार केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो राष्ट्र के आर्थिक जीवन के सर्वोत्तम हित में साख और चलन का नियमन करता है, राष्ट्र की मौद्रिक इकाई के बाह्य मूल्य को नियंत्रित करता है और मौद्रिक क्रिया द्वारा यथासंभव प्रभाव डालकर उत्पादन, व्यापार, कीमतों और रोजगार के सामान्य स्तर में होने वाले उच्चावचनों को रोकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर केंद्रीय बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी। उपयुक्त परिभाषाओं में से कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रत्येक परिभाषा में केंद्रीय बैंक के किसी कार्य विशेष को ही परिभाषा का आधार माना गया है। जबकि व्यवहारिक दृष्टि में आजकल केंद्रीय बैंक एक सर्वोच्च मौद्रिक एवं बैंकिंग सत्ता के रूप में देश की वित्तीय एवं साख नियंत्रण की नीति का संचालक है। एक उचित परिभाषा के रूप में केंद्रीय बैंक वह संस्था है जो देश की आर्थिक प्रगति को वांछित गति एवं दिशा प्रदान करने हेतु देश की मौद्रिक बैंकिंग एवं साख व्यवस्था का नियंत्रण एवं नियमन करती है। विभिन्न देशों में केंद्रीय बैंकों की जो लोकप्रियता पिछली एक शताब्दी में देखने को मिली है वह उनकी आवश्यकता की ओर संकेत करती है। केंद्रीय बैंकों की स्थापना के प्रमुख कारण इस प्रकार है। नोट निर्गमन का कार्य सुचारू रूप से करना। विभिन्न देशों में मुद्रा व्यवस्था के संचालन के साथ साथ जब स्वर्ण मान का परित्याग कर मुद्रा मान अपनाया गया
तो उसका सफल संचालन केंद्रीय बैंकों के माध्यम से ही हो सकता था। अतः केंद्रीय बैंकों की स्थापना करना आवश्यक था। साख नियंत्रण, जहां एक ओर साख निर्माण में विवेक तथा उपयोग में सतर्कता अर्थव्यवस्था को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करती है, वहां साख के दुरुपयोग से समूची अर्थव्यवस्था पतन के गर्त में गिर सकती है। अतः साख पर प्रभावी नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक को उत्तरदायित्व सौंपा गया। बैंकिंग व्यवस्था का विकास एवं नियंत्रण। केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों के लिए एक सच्चे मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। वह बैंकों को आर्थिक संकट काल में सुरक्षा प्रदान करता है तथा सही मार्गदर्शन देता है। जब बैंक आधुनिक अर्थतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तो उन पर प्रभावी नियंत्रण भी आवश्यक है। यह नियंत्रण केंद्रीय बैंक उनके एक सरताज बैंक के रूप में ठीक प्रकार से कर सकता है। सरकार की मौद्रिक नीति की सफलता। सरकार की मौद्रिक नीति के सफल संचालन के लिए केंद्रीय बैंक की आवश्यकता होती है, जो कि अर्थतंत्र को वांछित गति से आगे बढ़ाने तथा उत्पादन, व्यापार, रोजगार में होने वाले उच्चावचनों को रोकने में सहयोगी सिद्ध होता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त समस्याओं का समाधान। आजकल विदेशी व्यापार में निरंतर वृद्धि तथा बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समस्याओं को जन्म दिया है। देश के केंद्रीय बैंक से ही इन समस्याओं के समाधान में सरलता रहती है। इस प्रकार उपयुक्त कारणों से केंद्रीय बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहन मिला है। केंद्रीय बैंक के सिद्धांत। केंद्रीय बैंक के कार्य सिद्धांत व्यापारिक बैंकों से बहुत भिन्न है। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होकर राष्ट्र के कल्याण में अभिवृद्धि करना होता है। केंद्रीय बैंकों को कार्य संचालन के विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। वह राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होकर देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था को इस प्रकार से नियंत्रित एवं नियमित करने का प्रयास करता है कि जिससे देश में उत्पादन, व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में भारी उच्चावचनों को रोका जा सके तथा अर्थव्यवस्था को वांछित गति एवं दिशा में प्रगति की ओर अग्रसर किया जा सके। अतः केंद्रीय बैंक के उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्न सिद्धांत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय हित की भावना। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य अपने आर्थिक लाभ को अधिकतम करना न होकर लोकहित या समुचित समाज का आर्थिक कल्याण करना है। इसलिए वह अपने सब क्रियाओं को जन कल्याण से प्रेरित करता है। मौद्रिक एवं वित्तीय स्थायित्व। केंद्रीय बैंक का दूसरा सिद्धांत चलन मुद्रा और साख मुद्रा का इस प्रकार नियंत्रण एवं नियमन करना है कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिति में स्थिरता बनी रहे और अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त होने से बचाया जा सके। राजनीतिक प्रभावों से मुक्त। केंद्रीय बैंक विशुद्ध आर्थिक सिद्धांतों पर अपना कार्य करता है। राजनीतिक प्रभाव केंद्रीय बैंक के कार्यों पर अधिक प्रभाव नहीं डालते। साख का आधार। केंद्रीय बैंक के इस कार्य इस सिद्धांत से संचालित होते हैं कि देश में आवश्यकता अनुसार साख का निर्माण संभव हो। इसके लिए केंद्रीय बैंक अपनी साख नियंत्रण की नीति में लोचता लाकर अर्थव्यवस्था में स्थायित्व की दृष्टि से साख निर्माण करने में योगदान देता है। केंद्रीय बैंक को विशेष अधिकार दिए जाते हैं ताकि वह अपने दायित्वों को सफलतापूर्वक निभा सके। अब हम बात कर रहे हैं केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में तुलना की। जिसमें संख्या की बात करें तो किसी देश में केंद्रीय बैंक एक ही होता है, जबकि व्यापारिक बैंक अनेक होते हैं। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य लोक हित में मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण करना होता है, जबकि व्यापारिक बैंकों का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करने का होता है।
केंद्रीय बैंक का क्षेत्र, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, जनता से उसका प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं होता है, जबकि व्यापारिक बैंक जनता के बैंक होते हैं और जनता से उनका प्रत्यक्ष व्यवहार होता है। केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन का पूर्ण या आंशिक एकाधिकार होता है, जबकि व्यापारिक बैंकों को प्राय नोट निर्गमन का अधिकार नहीं होता। केंद्रीय बैंक देश में शाख का नियंत्रण करता है, व्यापारिक बैंक शाख का नियंत्रण नहीं करते, वरन केंद्रीय बैंक द्वारा इनकी शाख का नियंत्रण होता है। केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक नीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन एवं नियंत्रण करता है, जबकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में योगदान देते हैं। केंद्रीय बैंकों को अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि व्यापारिक बैंकों को विशेष अधिकार प्रदान नहीं किए जाते। केंद्रीय बैंक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का काम करता है, व्यापारिक बैंक उद्योगपतियों व्यापारियों के लिए ऋणदाता का काम करते हैं। केंद्रीय बैंक देश की बैंक प्रणाली का शीर्ष बैंक होता है, जबकि व्यापारिक बैंकों का निर्माण बैंकिंग व्यवस्था के अंग मात्र है। केंद्रीय बैंक की स्थापना एक विशेष अधिनियम के द्वारा हुई, जबकि बैंकों का निर्माण कंपनी अधिनियम 1949 के अंतर्गत होता है।